Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. So, आज हम कुछ वॉशिंग के बारे में टिप्स देंगे. लाइक घर में जो वाइट कपड़े साफ होता है वो एक्चुअली क्या ना येलोनेस आ जाता है. तो फैक्ट्रीज में जो वाइट कपड़े वेट क्लीनिंग होता है वो किस तरीके से होता है आज हम उसके बारे में जानेंगे. तो आइए देखते हैं कैसे वाइट कपड़े फैक्ट्री में प्रोसेस होता है. सो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऐसे दाग है, लाइक रस्ट का भी है, पान और गुटके के भी जो दाग होता है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो मार्क है, ठीक है. सो अभी हम इसको प्रोसेस करते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेट क्लीनिंग की मशीन है. तो ये बेसिकली ऑटोमेटेड मशीन रहता है, तो हम इस पर प्रोसेस करेंगे. आप देखिए जिसमें देखिए लोड हमने पहले मशीन में डाल दिए, ठीक है. देन हम डोर क्लोज किए एंड प्रोग्राम हम 60 डिग्री प्रोग्राम में चलाएंगे. आप देख सकते हैं इसे, शायद हो सकता है वीडियो में आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, 60 डिग्री प्रोग्राम में चल रहा है. हम इसको बटन को प्ले कर देंगे, ठीक है. एंड मशीन क्या करता है, ऑटो विंग करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो विंग इसलिए करता है कि पानी, मतलब जितना पानी लगता है कपड़े धोने में वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करके लेगा. लेट से हम 1 किलो में 7 लीटर पानी लग रहा है तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर पानी लेगा. लेट से हम 5 कपड़े डालें तो इट मीन्स 1.5 किलो समथिंग आता है, 1.5 kg समथिंग आता है, तो उसी हिसाब से वो 10 लीटर पानी लेगा. तो उस पर क्या होता है, पानी वेस्टेज भी नहीं होता एंड केमिकल अच्छा काम करता है. एंड जैसे ये वेइंग हो रहा है, वेइंग करते करते हम लोग केमिकल की मेजरमेंट कर लेते हैं. आइए हम देखते हैं उसमें मेजरमेंट क्या क्या केमिकल डालते हैं. तो बेसिकली ये ऑयल फ्री है केमिकल. ऑयल फ्री बेसिकली क्या होता है, जो कोई भी पीला स्टेन है खाने पीने के टाइम कोई शर्ट में दाग गिर जाता है वो उस टाइप की केमिकल होता है, उसको ऑयल फ्री बोलते हैं. एंड ये नॉर्मल सॉप होता है, कई इंडस्ट्री पर्पज पे यूज होता है. एंड ये न्यूट्रलाइज होता है, हम मान लीजिए हम उसे कपड़े में जो भी केमिकल्स डाल रहे हैं उसको पीएच वैल्यू को न्यूट्रल करने के लिए हम ये केमिकल यूज करते हैं. अभी हम सबसे पहले डालेंगे सॉप, ये वाली सॉप डालेंगे, देन हम डालेंगे ऑयल फ्री. सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अब केमिकल निकाल लिए हैं. तो इस पे हमने मिक्स किए हैं दो केमिकल, एक है आपका सॉप नॉर्मल सॉप एंड हम ऑयल फ्री, दोनों को इस केमिकल के मिक्स किए हैं. ये बेसिकली 50 ml की हमने यूज कर रहे हैं. एंड इस पर हम, इसमें केमिकल कैबिनेट है, केमिकल कैबिनेट ओपन करना. जैसे ये केमिकल कैबिनेट है तो हम इस पर क्या करते हैं, केमिकल ऐड ऑन करते हैं. ये बेसिकली 50 ml है, ये कप जो है मेजरमेंट कप की तरह हम यूज करते हैं. बेसिकली 50 ml की मेजरमेंट कप है. तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पानी आ रहा है इसके अंदर. एंड ये डोजिंग है. तो बेसिकली आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल चेक कर सकते हैं. यहाँ पे लिक्विड केमिकल है, लाइक डिटर्जेंट सॉप वगैरह जो यूज करते हैं. यहाँ फ्रेगनेंस के लिए, लाइक कपड़ों के लिए कंफर्ट वगैरह जो खुशबू के लिए यूज करते हैं वो होता है. एंड यहाँ पे जो है फर्स्ट वॉश के लिए पानी आता है एंड यहाँ सेकेंड वॉश के लिए पानी आता है, जैसे हमने कर दिए. अब आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है. ये बेसिकली नॉर्मल 60 डिग्री प्रोग्राम में वॉश होगा. एंड अगर कपड़े ज़्यादा गंदा रहता है तो हम उस पर नॉर्मल हाइपो यूज कर लेते हैं. सो बेसिकली देख सकते हैं हमने थोड़ा सा हाइपो लिए. तो हाइपो से क्या होता है, कपड़े की ब्राइटनेस भी इंक्रीज होता है एंड जो हल्का फुल्का दाग होता है वो भी निकल जाता है. तो हम क्या करेंगे, हाइपो को अब केमिकल डोज में ऐड ऑन कर देंगे. अब हम एक केमिकल डोज को डोर को ओपन करेंगे, केमिकल कैबिनेट को बेसिकली, एंड इसमें हाइपो ऐड करेंगे. हाइपो डाल दो इसमें. अब हम इसमें हाइपो ऐड कर दिए. हाइपो बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन ब्लीच होता है, वो कपड़े को वाइटनेस मेंटेन करने के लिए डाला जाता है. बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा यूज करने से कपड़े को हार्म करता है, कपड़े डैमेज भी हो जाता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पानी आ चुका है ऑटोमेटिकली, हमने सिर्फ प्रोग्राम चला दिया. ऑटोमेटेड मशीन सारे रहता है ये, आप देख सकते हैं अब ये प्रोग्राम चल रहा है. तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली वॉश होगा. वॉश के बाद वो 2 टाइप ऑफ रिंस होगा, बट देन जो लास्ट रिंस होता है हम उस पर न्यूट्रलाइजर ऐड करते हैं. जब आगे देखते हैं, जब वॉशिंग कंप्लीट होता है तो मैं न्यूट्रलाइजर प्रोग्राम प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ.
सो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वॉशिंग की प्रोसेस चल रहा है। वंस वॉशिंग कंप्लीट हो जाता है देन मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा। जैसे मैं पहले वीडियो में आपको दिखा दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कपड़े में कैसे कैसे दाग हैं, जैसे वॉश होके निकलता है फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एक्सट्रैक्शन में चला गया है, बेसिकली जैसे कि अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद लोड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वॉशिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, देन हम इस कपड़े को ड्राइंग करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं प्रोग्राम कंप्लीट है, ये प्रोग्राम अब कंप्लीट हो गया है। एंड जैसे ही डोर ओपनिंग का सिग्नल आएगा मैं डोर को ओपन करूँगा। ये कंप्लीट हो गया, अब ये डोर को सिग्नल ओपन का सिग्नल आ गया, लाइक यहाँ पे दिखाता है कि डोर ओपन का सिग्नल, देन हम डोर ओपन करते हैं। अब टाइम है देखने का रिजल्ट कैसे निकला है। तो अब निकल गया है लोड, अब लोड प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली हैंगर में लगा के दिखाता हूँ आप लोग को कि जो हम लोग पहले दाग देखे थे वो दाग सारे निकल गया है कि अभी भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अब सारे कपड़े आपको दिखाऊंगा एक एक करके कि सारे क्लियर है कि नहीं है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट सारे क्लियर है। और ये दो पीस हो गया है,